शुरू करते हैं बच्चे। कल हम मीरा कर रहे थे, ठीक है। तो मीरा करते हुए हम अंत में पहुंचे थे मीरा पद में। अंत में पहुंचे थे था, एक बार दोबारा पढ़ रही हूँ। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यू बाग लगास्यू, नितुट दर्शन पास्यू। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यू। चाकरी में दर्शन पास्यू, सिमरन पास्यू खर्ची। भाव भक्ति जागीरी पास्यू, तीनों बातां सरसी। मतलब तीनों में मेरा ही फायदा है। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल वैजंती माल, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ये हमने कल पढ़ा था, है ना, कि श्री कृष्ण जी की रूप के रूप सौंदर्य का वर्णन है कि श्री कृष्ण बहुत सुंदर हैं, उनके माथे पे मुकुट में मोर पंख है, पीले वस्त्र पहनते हैं, गले में वैजंती माला है यानी फूलों की माला है, वृंदावन की गलियों में गायें चराते हुए घूमते हैं और मुरली उनके होठों की शोभा है। ऊंचा ऊंचा महल बनावा विच विच राखू बारी, सावर यारा दर्शन पास्यू पहन कुसुम्बी साड़ी। हम यहाँ पे थे बेटे। ऊंचा ऊंचा महल बनावा मतलब ये चाहती है मीरा, चाहती है कि मैं ऊंचे ऊंचे महल बनवाऊं और बीच में खूब सारी खिड़कियां रख दूं। पहले कहती है बाग बनवाऊं, अब महल बनवाऊं उसमें खिड़कियां रखूं, ठीक है। विच विच राखू बारी कि मैं नौकरानी हूं, मैं सेविका हूं, मैं काम कर रही होंगी, मेरे श्री कृष्ण बाहर बाग में अगर घूम रहे होंगे तो मैं खिड़कियों से खूब सारी खिड़कियां बनवाऊंगी, खिड़कियों से श्री कृष्ण के दर्शन कर सकूंगी। सावरियारा दर्शन पासियूं, दोबारा सुनो, ऊंचा ऊंचा महल बनावा, ऊंचे ऊंचे महल बनवाना चाहती हैं और बीच में कॉन्ग्रेट्स, ऊंचे ऊंचे महल बनवाना चाहती हैं और बीच में बच्चे खिड़कियां रखवाना चाहती हैं। और सावरिया मीन्स पिया, प्रीतम, क्योंकि वो श्री कृष्ण को अपना पति मानती हैं। रा मीन्स का, दर्शन मीन्स दर्शन पाने, पास्यू मीन्स पाना चाहती हैं। पहर कुसुम्बी साड़ी, कुसुम्बी साड़ी पहनकर यानी भगवे वस्त्र पहनकर, कुसुम्बी साड़ी पहनकर वो श्री कृष्ण के दर्शन पाना चाहती हैं, ठीक है। कुसुम्बी साड़ी, कुसुम्बी मीन्स केसरी रंग की साड़ी यानी भगवे वस्त्र, भगवे वस्त्र, भगवा वस्त्र कौन सा होता है, जो कलर मैंने पहना हुआ है, दिस इज द एप्रोप्रिएट कलर, ऑरेंजिश शेड शेड, ठीक है। पहन कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी की दे तीरे, कहती है मीरा, कहती है आधी रात को मुझे दर्शन देना यमुना के किनारे देना, ठीक है। तीरे मीन्स किनारे, तीर किनारा, तीर तट कूल पर्यायवाची शब्द है किनारे के। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहती है मेरे प्रभु तो श्री कृष्ण है जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पे उठा लिया था। गिरीधर, गिरीधर श्री कृष्ण को क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन आराम से बन सकता है, क्योंकि उन्होंने एक उंगली पर पहाड़ उठा लिया था। मेरे मीरा रा प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु श्री कृष्ण है जिन्होंने एक उंगली पे पहाड़ उठा लिया था। हिब्रो घनो अधीरा, हिब्रो मीन्स मन, घना मीन्स बहुत, अधीर मीन्स व्याकुल। मेरा मन उन्हें मिलने को व्याकुल है। वो बेटे आधी रात को दर्शन पाना चाहती है, यमुना जी के किनारे पाना चाहती है। आधी रात को दर्शन क्यों पाना चाहती है, को रिलेट करो कबीर जी के साथ। को रिलेट करो कबीर जी के साथ, आधी रात को दर्शन क्यों पाना चाहती है। सारी दुनिया सो रही होती है, सुखिया सब संसार है खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है जागे और रोए, है ना। वो तो रात को जागने वाली है प्रभु के मिलने के लिए, तो वो रात को जब दुनिया सारी खा पी के सो रही हो, वो उस समय प्रभु के दर्शन एकांत में, एकांत कल्याण
एकांत में प्रभु के दर्शन करना चाहती है। और यमुना जी के किनारे क्यों? क्योंकि यमुना जी श्री कृष्ण को बहुत प्यारी थी, यमुना जी श्री कृष्ण को बहुत प्यारी थी, और यमुना के किनारे वह वैसा माहौल बनाकर वहां, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट मीरा। मीरा का एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, इसकी भक्ति सगुण भक्ति है, तभी तो पति मानती है ना, दर्शन देने को कहती है, यहाँ आओ वहां आओ कहती है, ठीक है, उनसे उलाहना में बात करती है, ठीक है, तो इसकी भक्ति सगुण भक्ति है। इसकी भी राजस्थानी भोजपुरी मिश्रित भाषा है, इसकी भक्ति सगुण भक्ति है बेटे, सगुण। सगुण मींस मतलब ये किसी शेप को सामने रख के पूजा करती हैं, ठीक है, यानी श्री कृष्ण की मूर्त को सामने रखती हैं और पूजा करती हैं। कबीर जी के सामने कोई मूर्त नहीं होती, निर्गुण है उनकी भक्ति, इसकी भक्ति सगुण भक्ति है, ठीक है। वी आर हैविंग ओनली दीज टू पोएम्स इन फर्स्ट टर्म, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे चलेंगे ही नहीं, पेपरों में ये आनी है, पर सिलेबसों में साइड बाय साइड थोड़ा बहुत और भी खत्म करना होगा बच्चे, तो हमें सिलेबस और भी आगे चलना होगा। आज सैटरडे है, नेक्स्ट थर्सडे मिलेंगे, फ्राइडे मिलेंगे, सैटरडे मिलेंगे, तो सिलेबस आगे चलाएंगे, ठीक है। आज मैं फिर दोबारा, यानी दो चीजें रिवाइज हो गई, आज मैं फिर दोबारा समास एक तरह से आपके लिए नए सिरे से शुरू कर रही हूँ। वी आर हैविंग हाफ एन आवर विद अस, नए सिरे से समास शुरू कर रही हूँ आपके लिए, ठीक है। आप तीनों को समास के बारे में कितनी जानकारी है जो यहां बैठे हैं? आप तीनों को समास के बारे में कितनी जानकारी है जो यहां बैठे हैं? कितना जानते हो? वृंदा क्या जानते हो आप? नहीं, बिना बताए मेरे कितना जानते हो आप? कीर्ति कुछ नहीं पता, कितना पता है बोलो, दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। ओके हार्दिक, कुछ याद? टाइप्स तो सब चीजों की होती हैं, समास के बारे में कितना जानते हो? हाँ, यही बाप समास भी होता है, शुरुआत करवाएं तो। चलिए, समास बेटे, संधि और समास दो चीजें हमने की थी एट में, आपको याद होगा। संधि में क्या था? दो वर्णों का मेल था, जैसे हिमालय है, हाँ, हिम प्लस आलय है, हिम और आलय की संधि है, मतलब इसमें दो वर्णों का मेल है, इसका आ और यहां से आ, हिमालय, ठीक है, तो दो वर्णों का मेल है। लेकिन हिमालय शब्द समास में भी यूज होता है ना, इसको हम करेंगे हिम का आलय, ये समास हो गया, ये समास लिख रहा होगा। होते इसमें भी दो शब्द हैं, दो पद होते हैं, ठीक है। अब समास की एक चीज हो गई, इसमें इसमें दो पद होते हैं, पद पद मालूम है ना क्या होते हैं, है ना, जब शब्द किसी वाक्य में यूज हो जाता है तो उसे पद कहते हैं, इसमें दो पद होते हैं हमेशा, ठीक है। अब पहले पद को हम कहते हैं पूर्व पद और दूसरे को कहते हैं हम उत्तर पद, ठीक है, दो पद होते हैं। जैसे हिम जो है इसमें पूर्व पद है, आलय जो है वो उत्तर पद है, ठीक है, दो पद होते हैं इसमें हमेशा। अब हम इसकी जब भी डेफिनेशन, क्योंकि हमारा एमसीक्यू आना है, मैंने टेस्ट भी कल दिया था, कल टेस्ट दिया है ना सबने, कल टेस्ट डाला हुआ है, आपने टेस्ट नहीं किया, आपकी असेसमेंट टेस्ट के नंबरों की लगनी है, ग्रुप देख लिया करो अपना, देख लिया करो, समास का टेस्ट दिया हुआ है ना, कंप्लीट इट एंड सेंड इट टू मी, ओके। अब इसमें एक पूर्व पद है, एक उत्तर पद है, यानी फ्रंट वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा। अब इसकी जितने भी भेद हमने किए हुए हैं ना, उसकी डेफिनेशन इन्हीं दो के आसपास घूमेगी, उनकी डेफिनेशन इन्हीं दो के आसपास घूमेगी। कौन आ गया है साथ में और? जैसिका, आर्ची, विनीत, रूप, निष्ठा, रोहानी, पलक, हिमानी, दक्षिता। दक्षिता आज फिर बेटा राघव इज नॉट प्रेजेंट, बाद में कहेगा कि मैम मैं तो था। यस मैम। हाँ, कल पता नहीं कैसे वो था, मुझे भी समझ नहीं आई,
हु इज राघव सोनी, हु इज राघव सोनी ऑफ 8th D, 8th D लिखा, 8th D, ओ हो हो बेटा राघव, चला गया वो? यस मैम। ओके 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 ओके, देखना कहीं मैं बीच में, दक्षता ध्यान रखना, मेरी क्लास की मीटिंग भी है ना PTM, तो कुछ वो ना अटेंड कर लें एक्स्ट्रा। ओके तो ओके, 12 आर देयर, ओके ध्यान रखना जरा आज अटेंडेंस का थोड़ा। चलिए मैं बात कर रही हूँ पूर्व पद और उत्तर पद, दो पद होते हैं हमेशा, ठीक है। अब मैं समास के, समास का ये हो गया ना, समास होता है, एक होता है समास करो, एक होता है समास सॉरी विग्रह करो, एक होता है समास का समस्त पद बना दो। जैसे ये है समास का विग्रह करो, मतलब विग्रह करो, डिटेल बता दो, जैसे हिमालय का हमने कर दिया, हिमकाल है, और फिर इसका भेद बता देंगे, ठीक है। और एक ऑप्शन होती है, एक ऑप्शन होती है बेटे कि हिमकाल दिया हुआ, इसको समस्त पद बना दो, हिमालय बना दो और भेद बता दो, ठीक है। दो तरह से आता है, एक समास को खोलो और भेद बताओ, एक समास को जोड़ दो और भेद बताओ। भेद एक ही होगा, जोड़ो चाहे खोलो, नहीं 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 ये तो अभी डेफिनेशन कर रहे हैं, ये भी भेदों की मैंने नाम नहीं बताया आपको अभी बच्चे, भेदों के नाम तो अभी बताने वाली हूँ, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, अब हम चल रहे हैं भेदों के नामों पे। दक्षिता आप बताएंगे बेटे भेदों के नाम, पहले दो हम जो करते हैं, फिर दो करते हैं, फिर दो करते हैं, पहले दो फिर दो फिर दो, जो जैसे हम करते हैं। दक्षिता लेफ्ट, नहीं दक्षिता तो है, हु इज लेफ्ट, कोई एक बच्चा चला गया बीच में से, 13 थे। मैम वृंदा। हाँ वृंदा, मैम वृंदा कौन? यस मैम। हु हैज गॉन? चलो मैम वृंदा, वृंदा वृंदा गई है मैम, वृंदा तो मेरे सामने बैठी है, शी इज प्रेजेंट देयर, वृंदा नहीं है, वृंदा नहीं थी जाने वाली, वृंदा ने ज्वाइन कब किया जो चली गई, वृंदा तो सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। अरे इतने तुक्के मत लगाओ प्लीज। नो मैम, वृंदा नेम का जो बच्चा आया था वही लीव कर गया। वृंदा ने, यस मैम, उस नेम का कोई आया था बेटा, कोई वृंदा ही था प्लीज, कोई 8th का आ गया होना, 8th की मेरी वो थी ना बेटे, 8th का कोई आ गया होना, कोई बात नहीं, वृंदा नहीं है, 8th का कोई आ गया होना। हाँ जी, पहला द्वंद्व समास, हाँ दूसरा द्विगु, याद आ गया हार्दिक को, द्विगु समास। पहले हम ये दो करते हैं मैम, पहला अव्ययी भाव नहीं था, अव्ययी बेटे वो बुक के हिसाब से तो मैं चलती नहीं कभी भी, आपको पता है मेरे अपने लॉजिक्स होते हैं, मेरा अपना तरीका होता है ताकि इजीली याद रहे, बुक के हिसाब से करना चाहो तो अव्ययी पहला आएगा, मैं हमेशा पहले ये दो आसान करवाती होती हूँ द्वंद्व, अदरवाइज तो ये तत्पुरुष का हिस्सा है, द्विगु तत्पुरुष का हिस्सा है, ठीक है, पर मैं आपको अलग अलग 6 करवाऊंगी, आप अलग अलग 6 रहने देंगे। द्वंद्व माता पिता, दही बड़ा है ना, दाल चावल, भीम अर्जुन, ठीक है, ये ऑपोजिट हैं, ये नंबर्स हैं। अब डेफिनेशंस यहां पे ले आओ, द्वंद्व की डेफिनेशन क्या होगी, जिसके दोनों पद बराबर हो, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, माता पिता, दाल चावल, कड़ी चावल, दही वड़ा, भीम अर्जुन, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, यानी जिसके दोनों पद समान हो, बराबर हो, ठीक है डेफिनेशन। इसमें द्विगु में जिसका प्रथम पद पूर्व पद संख्यावाची हो, जिसका पूर्व पद काउंटिंग हो, जैसे चौराहा, हाँ तिरंगा। हम ऐसा क्यों करते हैं, जब हमारा IQ ब्रिलियंट होता है तो हम अगर क्लासेस लगाएं तो हमारे अच्छे नंबर ना आए, जब है IQ हमारे पास, परमात्मा ने दिया हुआ है। वन मोर इज लेफ्ट, वन मोर इज लेफ्ट, कोई हाल नहीं क्लास का,
दैट इज अ कंप्लेनेबल क्लास. मुझे लगता है अब इस ग्रुप में मुझे पेरेंट्स को शामिल करना होगा. मैम सक्षम ने ऑडियो भी नहीं ज्वाइन की हुई. हाँ सक्षम तो बेटे रास्ते में है, वो तो स्कूल आया हुआ था, भाग गया यहाँ से. उसने ऑडियो मैम सक्षम महेब 10th B वाला. हाँ हाँ 10th B वाला आया हुआ था ना स्कूल. और दूसरा सक्षम कहाँ है? दूसरा सक्षम ने ज्वाइन किया था, अभी भाग गया. चलो ठीक है बच्चे, तो ये हो गया. द्विगु में होता है काउंटिंग, ठीक है. कैसे करते हैं इसको? तिरंगा तीन रंगों का समूह. नहीं बताती हूँ ना, तीन रंगों का समूह ये होगा द्विगु. द्विगु समास वो तो आप अगर तीन रंग हैं जिसमें अगर तिरंगा ब्रैकेट में लिख देंगे तो बहुव्रीहि में चला जाएगा ना फिर. तो अभी ऐसे ही चलो, तीन रंगों का समूह, ठीक है. चौराहा चौराहा चार राहों का समूह, चार राहों का समूह. रास्ते बेशक मत लिखो, राहों का समूह. ओके जी. द्वंद्व में ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, ठीक है. जैसे हाँ माता और पिता, या फिर कई बार ऐसे भी हो जाता है भीमा अर्जुन, भीमा अर्जुन संधि हुई ना, भीम और अर्जुन, ठीक है. लाभालाभ किन दो शब्दों में संधि है? लाभ और अलाभ. अलाभ लाभालाभ है ना, लाभ और हानि लाभालाभ. ओके ऐसे शब्द होते हैं द्वंद्व में. द्विगु में हमेशा काउंटिंग होती है. फॉर डिटेल यू कैन सी माई लास्ट वीडियो, उसमें मैंने काफी डिटेल में बताया है, आपको देखनी चाहिए. कल संडे है, यू कैन सी. ओके उसके बाद दो के बाद अगले दो हम करेंगे कर्म नार्य और बहुव्रीहि समास. कर्मधारय और बहुव्रीहि समास, ठीक है. अब कर्मधारय में चलना हमने इन्हीं दो शब्दों को लेके है, चलना हमने इन्हीं दो शब्दों को लेके है, ठीक है. जिसमें एक विशेषण हो एक विशेष्य हो, विशेषण हो एक विशेष्य हो, या एक उपमा हो एक उपमान हो. ठीक है जैसे उपमा उपमान, उपमा दी जाए तो उस जैसा है ना. जैसे देह लता, लता रूपी देह, रूपी उसके जैसा है. नील कमल, नील कमल, नील कमल नहीं, जैसे हम कमल नयन कहें, कमल नयन, कमल के समान नयन, ये उपमा उपमान हो जाता है. उपमा मीन्स कंपैरिजन है ना, उसके साथ उसको कोरिलेट किया गया है, ठीक है. विशेषण विशेष्य होता है या उपमा उपमान होता है. जैसे महात्मा, महान आत्मा है जो, कर्मधारय समास. पीताम्बर, पीला अंबर है जो, पीला अंबर है जो, कर्मधारय समास. ना 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 ना, ब्रैकेट में लिख देंगे तो वो तो बन जाएगा बहुव्रीहि. यही तो बहुव्रीहि में बताने वाली हूं मैं, ठीक है. इसकी ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, जो वाला है. पीला अंबर है जो, यानी ध्यान से सुनो, थोड़ा लॉजिक समझने की कोशिश करो. पीला अंबर है जो, अंबर की तरफ इशारा कर रहे हैं, कपड़े की तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है. जब हम कहेंगे ना पीले अंबर है जिसके, कौन? श्री कृष्ण, तब बहुव्रीहि में जाएगा. जब तो हम जैसे मैं कहूं ये नीला रुमाल, नीला रुमाल है जो, इसके बारे में बात कर रहे हैं. नीला रुमाल है जिसका जब हम बात करें, स्त्री विशेष हो जाए या कुछ हो जाए, तो बहुव्रीहि में जाता है, ठीक है. ये क्लियर हो गया? हाँ. जिसमें क्या है, इसमें क्या है, जैसे दो पद है ना कर्मधारय में, दो पद हैं, इसमें एक विशेषण है एक विशेष्य है. क्वेश्चन एमसीक्यू में कैसे बनेंगे? जिनमें एक पद विशेषण हो
एक पद विशेष्य हो उस समास को क्या कहते हैं, कर्मधारय समास, है ना। जिस विशेष जिस समास में एक उपमा हो एक उपमान हो उसको क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। मतलब इस तरह जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने हैं बेटे उसमें इस तरह की डेफिनेशंस पूछ के नीचे ऑप्शंस दी होंगी, आपको उसमें से टिक करना होगा। जैसे सपोज करो मैं महात्मा शब्द दे देती हूँ और नीचे मैंने डाल दिया कि ये कर्मधारय, नहीं नहीं हाँ ये किस समास की, नहीं कर्मधारय समास मैंने डाल दिया और नीचे डेफिनेशन दे दी कि इसमें एक विशेषण एक विशेष्य होता है, इसमें उपमा और उपमान होता है, इसमें पहला पद संख्यावाची होता है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, इस तरह मैं मतलब ऑप्शंस दे दूं, आपको एक ऑप्शन उसमें से चुननी होगी, ठीक है। मतलब ये काम ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इससे पहले जितनी भी क्लासेस टेंथ करती थी ना, हमने उन्हें ये बहुत डिटेल कभी भी नहीं बताया था, ये पूर्व पद उत्तर पद। अब आपका एमसीक्यू है तो आपको डिटेल में जानना है इसे, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट, बहुव्रीही समास। बहुव्रीही समास में बेटे रहना फिर वही है हमारे पास, यही दो शब्दों को पकड़ के चलेंगे। बहुव्रीही समास में ना ये कोई तीसरा ही पद बन जाता है, ना पूर्व पद ना उत्तर पद, कोई तीसरा है। जैसे लंबोदर, लंबा और उधर, ना लंबाई की बात कर रहे हैं ना हम पेट की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं श्री गणेश की। पीताम्बर शब्द लो, ना हम पीले की बात कर रहे हैं ना हम अंबर की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण की, ठीक है। दशानन, ना दस की बात कर रहे हैं काउंटिंग की बात कर रहे हैं, ना आनंद की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रावण की, ठीक है। वो बहुव्रीही होता है, इसमें लिखता है लिखते हैं हम जिसका पीला अंबर है जिसका, फिर ब्रैकेट में देना होगा, है ना। जैसे मीनाक्षी मीन जैसी आंखें हैं जिसकी, कौन, कोई भी स्त्री विशेष, कोई भी स्त्री विशेष, ठीक है। मीनाक्षी ब्रैकेट में स्त्री विशेष लिख देंगे, बहुव्रीही में जाएगा, ओके डन। चार भेद हमने कर लिए, दैट इज स्पेशली फॉर यू पीपल। ये जो जितने बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं ना, इन सबने बहुत ध्यान से सुना हुआ है, वही तो बच्चे, रिवीजन 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 इज मस्ट ना, बहुत जरूरी है ये चीजें। और वृंदा आपने मुझसे किया हुआ एट्थ में, दैट्स व्हाई यू नो दैट। एट्थ में जिन्होंने मेरे से किया हुआ है उनको पता है, हा? क्योंकि ये टीचर का स्टाइल वही रहता है, ओके। इसके बाद आप बेटे अगले जो दो भेद हैं, हाँ, एक तत्पुरुष और एक अव्ययी। ठीक है, रहने फिर इन्हीं दो से, इन्हीं दो को पकड़ के चलना है अब हमने एमसीक्यू के लिए, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, अब एक में पूर्व पद प्रधान है, एक में उत्तर पद प्रधान है इसमें, ठीक है। इसमें तत्पुरुष समास में हमेशा उत्तर पद प्रधान होगा, अव्ययी में हमेशा पूर्व पद प्रधान। इसका यानी इसका पहला पद अव्यय होता है, पहला पद अव्यय, अव्यय क्या होता है, जो कभी चेंज नहीं होता, क्रिया विशेषण अव्ययी शब्द होते हैं ना। पद बंद जब हम करेंगे दोबारा तो दोबारा रिवाइज करेंगे, क्रिया विशेषण जो है वो अव्ययी शब्द होते हैं, ठीक है। तो जिसका पहला पद अव्यय होता है, अव्ययी में पहला पद अव्यय, पहला पद कभी चेंज नहीं होता, अव्ययी। अब पहले अव्ययी करते हैं, भर वाले सारे शब्द भरपेट, प्रति वाले सारे शब्द प्रतिदिन प्रतिपल प्रतिक्षण प्रत्येक, प्रत्येक वर्ड होता है ना प्रत्येक, ओके। फिर उसके बाद यथा वाले सारे शब्द, फिर आ वाले सारे शब्द, अ नहीं आ वाले सारे शब्द, ओके अ नहीं आ वाले सारे शब्द, ठीक है। अ नेगेटिव हो जाता है, आ पॉजिटिव होता है, ठीक है। और उसके बाद रिपीटेड वर्ड्स बताती हूँ बेटे, तो मैं जर्नल बता रही हूँ, अभी समझा रही हूँ, लिखना का तो बताऊंगी। रिपीटेड सारे वर्ड्स मतलब, हाँ, घर घर शहर शहर गांव गांव गली गली पल पल, ओके ओके।
ठीक है, ठीक है। अब इसका होगा जैसे भरपेट, बे वाले सारे शब्द, बेकार, बेनाम। इसका फर्स्ट हिस्सा कभी चेंज नहीं होता इन शब्दों का, ठीक है। जैसे बेकार, बेनाम, भरपेट, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रतिपल, प्रत्येक, यथासंभव, यथाशक्ति, यथा यथोचित, पहला हिस्सा कभी चेंज नहीं होता। आ जन्म, आ जीवन, आ मरण, आ सेतु, वो सारे वर्ड रिपीटेड वर्ड्स, तो गांव गांव, गली गली, शहर शहर, घर घर, नगर नगर आदि, पल पल आदि, ठीक है। अब यही इसको लिखते कैसे हैं, करते कैसे हैं, जैसे भरपेट, भरा पेट, अब यही ऐसे ही प्रत्येक, हर एक, अब यही, ठीक है। यथोचित, यथोचित, जितना उचित हो, यथा और उचित, अ और ओ मिलके ओ बना है, ठीक है। जितना उचित हो, जितना योग्य हो, जितना योग्य हो, जितना उचित हो, ठीक है। ये सारे शब्द इसमें आएंगे अब यही भाव समास में, ठीक है बच्चे। अब लास्ट रह गया तत्पुरुष समास। इसमें मैंने क्या बताया, अव्ययी में तो पहला प्रधान था, इसका पिछला प्रधान है। जैसे राजकन्या, हाँ, इसके बीच में हमेशा तत्पुरुष का कोई ना कोई चिन्ह आएगा, राजा की कन्या, राजकन्या। देखो जब हम बात कर रहे हैं राजकन्या, राजा का कोई वो नहीं है, हम बात कन्या की कर रहे हैं, वो राजकन्या जा रही है, ठीक है। तो कन्या की बात कर रहे हैं हम, पिछले वाला पद इसका प्रधान होता है हमेशा। जैसे जेब खर्च, बात तो हम चाहे जेब खर्च है चाहे कोई भी खर्च है, हम बात तो खर्च की कर रहे हैं ना, मेन पीछे वाला हिस्सा इसका, यानी इसका उत्तर पद हमेशा प्रधान होता है, ठीक है। आया समझ समास, आया हाँ। जेब के लिए खर्च, के लिए खर्च। हु लेफ्ट बेटा दक्षिता दिस टाइम, हु लेफ्ट बच्चे दक्षिता, आई एम टॉकिंग टू यू, आर यू देयर निष्ठा? यस मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेट्स टू यू ऑल, कॉन्ग्रेट्स कॉन्ग्रेट्स कॉन्ग्रेट्स। तू तो फर्स्ट आया, तेरी तो बल्ले बल्ले है। गॉड ब्लेस बेटे, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। मिस करेंगे आपको, बहुत मिस करेंगे, जब भी एनुअल फंक्शन होगा बहुत मिस करेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। मीठा खिला के और मोटे करना है। हाँ जी, कौन गया बेटे? यस मैम। कौन गया नहीं पता ना, सक्षम छाबड़ा तो यहाँ पे नहीं है। आप ध्यान नहीं रख रहे ना, जो देखता है बीच में से स्किप कर जाता है। आपने पहले अटेंडेंस ली थी, अब स्क्रीनशॉट ले लो बेटे, क्लियर हो जाएगा कौन गया था। ओके डन। अब एक थोड़ा सा और प्लीज, जो ऑनलाइन भी बैठे हैं जिन्होंने पहले भी पढ़ा हुआ है मुझसे ये समास, वो देखें बेटे। थोड़ा सा मैं इसके बाद बताने वाली हूँ, कई बार अशब्द होता है, आता तत्पुरुष में ही है, नेगेटिविटी जिसमें आ जाती है, अ हमने पहले बात की थी ना, अ नेगेटिव होता है, इससे बनता है नंज तत्पुरुष समास। हम इसको भी क्यों छोड़ें, दिस इज फॉर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ओके। हम इसको भी क्यों छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे इसको भी, ओके। नंज तत्पुरुष समास, अदरवाइज वैसे ही पेपर में आता नहीं है, 99% आता नहीं है, लेकिन छोड़ना हमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ लेके चलना है। अब नंज तत्पुरुष है तो ये तत्पुरुष का ऐसा हार्दिक अंदर, ठीक है। अ इसमें अ होता है पहले, अन्याय, अधर्म, अधर्म, असत्य, ठीक है, नेगेटिविटी। इसका विग्रह कैसे होगा, ना न्याय, ना धर्म, न सत्य, ठीक है, ये नंज तत्पुरुष, न न नहीं वाला, नंज, नंज मींस नहीं वाला, हाँ ठीक है, नेगेटिविटी में होता है, ये होता है नंज तत्पुरुष समास।
ठीक है। अब कल का जो टेस्ट जिसने नहीं भेजा देखो फिर अपना,